हेलो दोस्तों, शोले की अपार सफलता के बाद निर्माता निर्देशक जीपी सिप्पी और उनके बेटे रमेश सिप्पी ने एक बेहतरीन फिल्म बनाई। 12 दिसंबर 1980 को रुपहले पर्दे पर फिल्म आई शान। शान एक बेहतरीन फिल्म, उस वक्त की सबसे महंगी फिल्म, उस वक्त की बेहतरीन टेक्नोलॉजी से सुसज्जित फिल्म, उस वक्त की ऐसी फिल्म जिसमें का जो विलन है वो इतना मशहूर हो गया कि उसका नाम सुनते ही लोगों की रूह कांप जाती थी। तो आज बात करेंगे उसके बारे में विस्तार से और इसके 5 ऐसे रोचक तथ्य बताएंगे जो शायद आप नहीं जानते होंगे। लेकिन उससे पहले आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। हाँ, तो बात करते हैं शान फिल्म के बारे में। जब शोले फिल्म खूब सक्सेस हुई तो रमेश सिप्पी ने सोचा कि इसी की टीम के साथ हम ये फिल्म बनाते हैं, लेकिन कुछ ऐसा हो नहीं पाया। उनके सारे कलाकारों की, जो शोले के कलाकार थे, उनकी डेट्स नहीं मिल पाई, तो इसलिए कुछ कलाकारों में परिवर्तन हो गया। तो शोले फिल्म के जो निर्देशक थे रमेश सिप्पी, उन्होंने शान फिल्म को बनाया और इसमें का जो किरदार है वो जेम्स बॉन्ड का एक किरदार था, उसके ऊपर इन्होंने फिल्माया उसको, और उस किरदार का नाम था ब्लोफेल्ड। ब्लोफेल्ड ही एक गंजा खलनायक जेम्स बॉन्ड फिल्म में होता है, और इसी फिल्म में साकाल को वैसा ही गंजा बनाया गया। साकाल एक आइलैंड पे रहता है और वहाँ से वो पूरी दुनिया को चलाता है, मतलब भारत जैसे देश को जो है चला रहा है, मतलब परेशान कर रहा है लोगों को। एक डीसीपी अधिकारी, जो पुलिस वाला अधिकारी है, उसके अपने दो भाई के साथ रहता है, लेकिन दो भाई जो कि चोर और निकम्मे हैं, वो अपने भाई के ही भाई को ही छोड़ के अलग कोई काम करने में लगे रहते हैं। लेकिन जब पता चलता है कि उनके भाई को मारने के लिए एक साफ सूत्र आया हुआ है, अपने भाई की जान बचाने के लिए लग जाते हैं। साथ में इस फिल्म के कुछ रोचक तथ्य आपको बताते हैं। तथ्य नंबर एक कि इस फिल्म में साकाल का रोल जो है पहले संजीव कुमार करने वाले थे, बाद में इसको कुलभूषण खरबंदा ने किया। और इसका तथ्य नंबर दो है कि इसको जो साकाल का आइलैंड है, ये वेल्स के आइलैंड स्टीप होल पे शूट किया गया था। स्टीप होल एक ऐसा आइलैंड है जो एकदम सुनसान सा है, और ये उसका आप हवाई शॉट देख रहे हैं और ये उसके कुछ चित्र हैं जो आप देख रहे हैं। यहाँ पर साकाल का खूबसूरत आइलैंड और वहाँ बनाया गया था, वहाँ पे इसकी शूटिंग हुई थी। इतने भव्य सेट्स बने थे, आधुनिक उपकरण लगाए गए थे, जहाँ पे साकाल एक गोल मेज बैठा हुआ था है, उसके पास शिकारी कुत्ते हैं, उसका अपना खुद का एक मगरमच्छ है जो जो है खा जाता है, जिंदा चबा जाता है। इस तरह के भव्य सेट बनाए गए थे, तो इस तरह की ये बेहतरीन फिल्म थी। तीसरा फैक्ट ये है कि परवीन बाबी जब प्यार करने वाले गाना शूट कर रही थी तो उनको एक पहला एंग्जायटी अटैक आया था। इसके बाद वो अमेरिका चली गई थी अपना इलाज कराने के लिए। कट टू उसके बाद जब वो ये गाना ख़त्म होता है तो जहाँ कार का दृश्य आता है, जहाँ से वो कार में से निकलती हैं, ये शूट उन्होंने वापस आने के बाद किया था, तो ये वहाँ से आगे की ओर उन्होंने शूट किया था। और तीसरा चौथा फैक्ट ये है, इस फिल्म को बनाने में उस वक्त सबसे ज़्यादा पैसे खर्च हुए थे, क्योंकि इसमें बहुत सारी आधुनिक टेक्नोलॉजी दिखाई गई थी जो उस समय के लिहाज से बहुत आगे की सोच थी। और पांचवा फैक्ट ये है कि इसमें मोहम्मद रफ़ी साहब और आरडी बर्मन साहब ने साथ मिलकर के एक गीत गाया था, यम्मा यम्मा ये खूबसूरत समा। इसमें हेलन जी का जो कैबरे डांस है वो आपके मन को मोह लेगा। तो यानी कि कुल मिलाकर एक बेहतरीन फिल्म थी, ज़बरदस्त फिल्म थी। बात करते हैं इसके कास्ट के बारे में, इसके टेक्नीशियंस के बारे में, इसके निर्देशक के बारे में। हाँ, तो कलाकारों में सबसे पहले बात करते हैं सुनील दत्त, जिन्होंने डीसीपी का किरदार निभाया। इसके बाद अमिताभ बच्चन और शशि कपूर, विद्या सुब्बुस्वामी, परवीन बाबी, और इसके अलावा सबसे बेहतरीन रोल किया कुलभूषण खरबंदा ने, साकाल के रोल में नज़र आए, चाचा के रोल में नज़र आए जानी वॉकर। बेहतरीन कलाकारों ने काम किया, और वहीं पर राखी गुलजार ने बहुत ही उम्दा और बेहतरीन रोल किया। म्यूज़िक और संगीत अगर हम बात करें तो आर डी बर्मन ने दिया था, जानू मेरी जान नाम का गाना जो किशोर कुमार साहब ने सौथुप के साथ मिल करके गाया था, बहुत ही बेहतरीन गाना। यम्मा यम्मा जैसा कि मैंने बताया, मोहम्मद रफ़ी साहब और उनके साथ आर डी बर्मन साहब ने गाना गाया था, खूबसूरत गाना है। और प्यार करने वाले सॉन्ग को आशा भोसले मैम ने गाया था, अपनी खूबसूरत आवाज़ दी थी। बाकी अगर इस फिल्म के हम बजट के बारे में बात करें तो जैसा कि मैंने बताया कि ये फिल्म उस वक्त की सबसे महंगी फिल्मों में से एक थी, तो तकरीबन 4.2 करोड़ यानी 4.20 करोड़ रुपए का इसका, 4.25 करोड़ रुपए का बजट था, और तकरीबन 12.50 करोड़ रुपए की कमाई इसने
1980 में की थी। अगर 2023 में इसका हम कलेक्शन देखें तो तकरीबन 271 करोड़ बन जाएगा। जी हाँ दोस्तों, 271 करोड़ के आसपास इसका कलेक्शन हो जाएगा। 12 करोड़ रुपये कमाने वाली फिल्म 1980 में बनी थी। हालांकि इससे पहले शोले आ चुकी थी जिसने इससे भी ज़्यादा पैसा कमाया था। एक बेहतरीन फिल्म शान, जिसके गाने, जिसके संवाद आज भी बहुत लोकप्रिय हैं, इस पर लोग मीम भर भर के बनाते हैं। ये फिल्म आपने नहीं देखी तो देख डालिए। अगर वीडियो को पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, एक दूसरे से शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते, जय हिंद।